Hey guys, welcome back to my channel, Your Steady Cooks. मैं हूं आपकी अपनी RBG रोहिणी भगत गुप्ता। तो ये क्या है? क्या है बताओ? बचपन से हमने इसकी एड देखी है, करम कुर्रम देखा है, राइट? आज इस पापड़ को देंगे हम एक नया ट्विस्ट। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो चलिए हमारे 3P की रेसिपी शुरू करते हैं। 3P इसलिए क्योंकि हम बना रहे हैं पनीर पापड़ पॉकेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन को रखेंगे गैस पर। हमारा पैन बहुत अच्छे से हीट हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे ऑलिव ऑयल। आप चाहे तो थोड़ा घी भी यूज कर सकते हैं या फिर लिटिल बिट ऑफ बटर। तो ऑलिव ऑयल बहुत अच्छे से हीट हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे मिंस्ड गार्लिक, लवली। फिर ऐड करेंगे रेड चिली फ्लेक्स। स्पाइस इट अप एज पर योर चॉइस। ये अच्छे से मिक्स। अब ऐड करेंगे अनियन एंड ग्रीन चिली फाइनली चॉप्ड। इससे भी एक अच्छा मिक्स दीजिए। परफेक्ट। रिमेंबर, पनीर पापड़ पॉकेट्स बनाने के लिए आपके सारे वेजीज बहुत ही फाइनली चॉप्ड होने चाहिए। ऐड करेंगे लिटिल सॉल्ट। अमेजिंग। सो देखिए अनियंस बहुत अच्छे से कुक हो चुके हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हमारे रेस्ट वेजीज। यहाँ पर मैंने लिया है कैरेट, कद्दू कस किया हुआ यानी कि फाइनली शेडेड, और उसी के साथ यहाँ पर लिया है बीट रूट, सेम कद्दू कस फाइनली शेडेड। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहे तो इसमें स्प्रिंग अनियन भी ऐड कर सकते हैं। अब ऐड करते हैं ब्लैक पेपर पाउडर। फिर ऐड करेंगे गार्लिक पाउडर, दिस इज ऑप्शनल, एंड मिक्स इट नाइसली। और अब ऐड करेंगे सॉल्ट स्वाद अनुसार, एंड मिक्स इट नाइसली। कैरेट एंड बीटरूट को ज्यादा पकने में वक्त नहीं लगता, हमें इसे बस हल्का सा स्टर फ्राई करना है। अब ऐड करेंगे लिटिल बिट ऑफ ग्रीन चिली सॉस एंड लिटिल बिट सोया सॉस, एंड मिक्स इट नाइसली। Set nicely and let it cook for at least 2 minutes. चलिए अब ऐड करते हैं हमारा मेन इंग्रेडिएंट, दैट इज पनीर, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। कवर इट एंड कुक इट फॉर एटलीस्ट 2 मिनट्स। जब तक हमारी पनीर फिलिंग अच्छे से कुक हो रही है, हम बना लेते हैं हमारा डिप। तो यहाँ पर मैंने लिया है दही। इसमें ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स, सॉल्ट, लिटिल चाट मसाला, चॉप्ड ऑलिव्स एंड चॉप्ड रेड पेपरिका विद सम चॉप्ड कोरिएंडर। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अमेजिंग, लुक हाउ ब्यूटिफुल द सॉस इज रेडी। नाउ लेट्स चेक द फिलिंग एंड इट्स अमेजिंगली डन। अब इसे थोड़ा सा कूल डाउन होने के लिए रख दीजिए। थोड़ा गर्म भी होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब करते हैं पॉकेट्स की प्रिपरेशन। यहाँ पर मैंने एक प्लेट में पानी ले लिया है एंड इसमें डिप करेंगे हमारा पापड़। अच्छे से डिप हो जाए। राइस पेपर जितना जल्दी सोक हो जाता है पानी में, उतना जल्दी पापड़ नहीं होता। तो एक 15 सेकेंड्स तक कीप ऑन डिपिंग। सी नाउ इट स्टार्टेड टू लूज डाउन। अमेजिंग। अब इसे निकाल लेते हैं। ये रहा हमारा नाइसली सोक्ड पापड़। आप चाहे तो ये एक्स्ट्रा स्टेप कर सकते हैं, जो मैंने डिपिंग बनाई मैं थोड़ा सा ऐड करूंगी, नॉट मच, एंड देन पुट आवर फिलिंग नाइसली। अब इसे करते हैं अच्छे से फोल्ड। नाइसली एंड स्लोली। तो ये रहा हमारा पापड़ पॉकेट रेडी। अमेजिंग। लेट्स क्रिएट मोर एंड देन आई विल गेट बैक टू यू। चलिए इसे सेट करते हैं एयर फ्रायर में। थोड़ा सा डालेंगे ऑलिव ऑयल एंड इसे अच्छे से स्प्रेड करेंगे।
आई डोंट हैव अ ऑयल स्प्रे, दैट्स व्हाई मुझे ब्रश यूज करना पड़ता है, बट सून वो भी आ जाएगा। अब इसमें रखेंगे हमारे सारे पापड़ पॉकेट्स, लेकिन उल्टा करके। रब ऊपर से थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करेंगे, ऑलिव ऑयल ही यूज कर रही हूं मैं। अमेजिंग, लेट्स सी हाउ इट कम्स आउट, आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। चलिए अब इसे एयर फ्रायर में रखते हैं, एंड हियर इट गोज इन द एयर फ्रायर। सो आई एम टोटली न्यू फॉर दिस एयर फ्रायर थिंग, इसलिए मैं देखती हूँ कि इसे हम किस पर सेट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से बेक पर है ना। ओके, सो लेट्स गो टूवर्ड्स बेक, यानी कि पिज्जा, यानी कि बेक, एंड डिग्रीज आई थिंक सो। चलो पहले मिनट सेट करते हैं, 4 मिनट्स, लेट्स सी वो जल ना जाए, इस वजह से मैं 4 मिनट्स ही रख रही हूँ। एंड टेम्परेचर आई एम थिंकिंग ऑफ 200। चलो लेट्स बिगिन। सो 4 मिनट्स आर डन एंड लेट्स चेक। ओ लाला गाइस, लुक एट इट, आई गेस इट्स टाइम टू फ्लिप नाउ। सो इट्स नाइस एंड क्रिस्पी, अब इसे फ्लिप करते हैं। अब कोई टेंशन नहीं है एक्चुअली फ्लिप करते वक्त। दिस इज जस्ट अमेजिंग, मतलब मैंने मेरे लाइफ में पहली बार ऐसा कुछ ना रे तो उल्टा हो रहे बनाया है, एंड इट्स जस्ट अमेजिंग यार। So 5 minutes will be the perfect time actually. So आप ये जो portion देख रहे हो इसे हम 4 minutes नहीं at least 6 to 7 minutes करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पापड़ की layer बहुत heavy है इस वजह से। तो let's see, 5 minutes में ही मैं बंद कर दूंगी। A few minutes later. So it's done. Let's see. Oh my god. Awesome guys, look. So fluffy and so crispy. Come on. Now let's serve it hot. See, लग रहा है ना fried है करके, लेकिन it's totally air fried. चलो guys, let's taste it. PPP, 3P. बाघा की याद आ गई. जो तारक मेहता में है ना बाघा, उनकी याद आ गई. उन्हीं का होता है ना बावरी और बाघा का 3P picture, popcorn और क्या था? पार्क। हाँ, हमारा जो ये 3P है इट इज समथिंग डिफरेंट बिकॉज इट इज पनीर पापड़ पॉकेट। लेट्स डिग इन। आई कैन नॉट एक्सप्लेन गाइज, आई कैन नॉट एक्सप्लेन, यू नो। तो ये एक यू नो पफ पेस्ट्री एंड फ्रैंकी रोल, इसका मिक्सचर है। दिस इज द अमेजिंग कॉम्बिनेशन, आई वुड सजेस्ट आप लोग इसे ट्राई करिए। एंड यार फ्राइड किए बिना इतनी बेहतरीन चीजें खाने को मिल रही है ना, बाय गॉड मम्मी मजा आ गया, एंड ऑल्सो हेल्दी, इसमें कुछ भी अनहेल्दी नहीं है। एंड मेरा सेकेंड राउंड भी रेडी हो चुका है। यो सो गाइज, डू लेट मी नो कि आप लोग को ये रेसिपी मेरी पनीर पापड़ पॉकेट्स की कैसे लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और जाते जाते योर स्टडी कुक्स को फॉलो भी कर दे जाना, एंड ऑल्सो टंग घंटी भी बजा देना। ओके, चलिए फिर मिलते हैं योर स्टडी कुक्स के अगले एपिसोड में विद मोर एक्साइटिंग रेसिपीज एंड मोर हेल्दी रेसिपीज टू। कुछ कुछ अनहेल्दी भी हो सकती है, लेकिन जो लोग डाइट, जो लोग वेट लॉस नहीं कर रहे वो लोग वो रेसिपीज जरूर खा सकते हैं। तो जब मेरे हस्बैंड घर आएंगे तो डेफिनेटली अनहेल्दी डिशेज तो बनेंगी उनके लिए, नॉट मेरे लिए। तो मैं तो अपने लिए हेल्दी बनाऊंगी, एंड जब मिस्टर गुप्ता ये देखेंगे वो बोलेंगे मजे कर रही है मेरे बिना ये लड़की, वाह कर रही हूँ, हाँ कर रही हूँ। चलो गाइज, आई विल एंजॉय दिस, एंड आप लोग भी इसे जल्दी बनाइए और जल्दी खाइए और मुझे जल्दी 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 बताइए। ओके, बाय डियर्स, लव यू ऑल, टेक केयर, मिलती हूँ मैं अगले एपिसोड में। टाटा, टिंग टिंग। ओ और ये डिप 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 की तो मैं क्या बात करूँ। मुझे होगा, गुड जॉब रोहिणी, गुड जॉब।